नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियो ओलंपिक का रंगारंग आगाज, ब्राजील के माराकाना स्टेडियम में फूका गया खेलों के महाकुंभ का बिगुल। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने की भारतीय दल की अगुवाई। असम के कोकराझार जिले में हुए उग्रवादी हमले में 14 की मौत, कई घायलों की हालत चिंताजनक। एक हमलावर के मारे जाने की पुष्टि, सेना ने संभाला मोर्चा। विजय रूपाणी होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया दावा। रविवार को होगा शपथ ग्रहण समारोह, पटेल आंदोलन का नेता हार्दिक पटेल ने जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। घाटी के कई इलाकों में प्रदर्शन और हिंसा रुकने का किया दावा, ज्यादातर इलाकों से हटाए गए कर्फ्यू। और दूध में मिलावट करने वालों को मिल सकती है उम्र कैद की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून में बदलाव करने के दिए संकेत। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 पर उठे सवाल। रियो ओलंपिक का रंगारंग उद्घाटन समारोह ब्राजील के माराकाना स्टेडियम में हुआ। स्टेडियम में उद्घाटन समारोह को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। पूरे ओलंपिक सेरेमनी में ब्राजील की संस्कृति और परंपरा का अनोखा रंग देखने को मिला। रोशनी, संगीत और नृत्य के जरिए ब्राजील की रंगारंग संस्कृति और विविधता का जश्न मनाया गया। भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे ओलंपिक सेरेमनी की शुरुआत हुई। भारतीय दल 95 नंबर पर आया। बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा भारतीय सदस्यों के ध्वजवाहक थे। रियो ओलंपिक में 28 खेलों में कुल 306 स्पर्धाओं में खिलाड़ी भाग लेंगे और 206 देशों के 11,000 से ज्यादा एथलीट रियो ओलंपिक में अपने हाथ आजमाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने रियो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। टीमों के मैनेजर और कोचों के साथ बैठक के बाद आईओए के शीर्ष अधिकारियों ने घोषणा की कि राज्य ओलंपिक संस्था पहली बार गोल्ड मेडल विजेता को 50 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेता को 30 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 20 लाख रुपए देगी। इसके अलावा कोचों को खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि का 50% दिया जाएगा। खिलाड़ी के गोल्ड मेडल जीतने पर कोच को 25 लाख रुपए मिलेंगे। असम के कोकराझार जिले में कल काले कपड़े पहने हमलावरों ने जमकर फायरिंग और गोलाबारी की। इस घटना में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हमले की निंदा की है। हमलावरों ने फायरिंग के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया था। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक कोकराझार के बालाघाट तिनलो में उग्रवादी ने अंधाधुंध गोलाबारी की। इस घटना में NDFB उग्रवादियों के हाथ होने की संभावना है। नागरिकों पर हुए इस हमले को लेकर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है और मामले की पूरी जानकारी मुहैया करवाई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी के पास अर्धकुमारी में चट्टान खिसकने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुएं जख्मी भी हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड अर्धकुमारी की गुफा के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक 3 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां से वैष्णो देवी मंदिर करीब 6 किलोमीटर दूर है। इस हादसे में जख्मी हुए श्रद्धालुओं को नारायण अस्पताल में भर्ती कराया है। ज्यादातर श्रद्धालुओं को सिर में गहरी चोटें आई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। केंद्र ने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद 9 जुलाई को हुए 201 हिंसक प्रदर्शनों के मुकाबले 3 अगस्त को 11 प्रदर्शन हुए। केंद्र सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि 30 जुलाई को घाटी के ज्यादातर हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया गया था।
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने बताया कि घाटी में तीन जिलों के कुछ ही हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। उन्होंने कहा, हालांकि सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार कोशिशों की वजह से स्थिति में सुधार हुआ है। हिंसक प्रदर्शनों और झड़पों के बाद घटनाओं में काफी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर याचिकाकर्ता और जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी के भीम सिंह को जवाब देने को कहा, जिन्होंने राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की मांग की थी। हमले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। केंद्र गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के रवैये को लेकर कल राज्यसभा में बयान दिया। बैठक के बाद भोज में शामिल ना होने को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। राजनाथ ने बताया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने सबको दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया था, लेकिन बैठक के तत्काल बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए थे। गृह मंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्होंने भी भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। राजनाथ दोपहर के भोज में शामिल हुए बिना स्वदेश लौट आए। गृह मंत्री ने कहा कि वहां मेरे साथ मर्यादित व्यवहार हुआ या नहीं, इस बारे में कहने में मुझे संकोच होता है। उन्हें जो करना था वह किया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। विजय रूपानी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद से गुजरात के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी की माथापच्ची कल सुलझ गई है। कल शाम गांधीनगर बीजेपी दफ्तर में पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद रूपानी के नाम की घोषणा की गई। इसके साथ ही अब तक सीएम की रेस में सबसे आगे माने जाने वाले नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। रूपानी रविवार को शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और आनंदीबेन पटेल ने भी शिरकत की। बताया जाता है कि सीएम के नाम को लेकर विधायक दल की बैठक में आनंदीबेन और अमित शाह के बीच तकरार हुई। अमित शाह विजय रूपाणी को जबकि आनंदीबेन नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से रूपाणी के नाम पर सहमति बनी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपाणी का नाम आने के बाद पटेल आरक्षण आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रूपाणी बीजेपी प्रमुख अमित शाह के खास है और अब उनके इशारे पर ही गुजरात में काम होगा। हार्दिक ने दावा किया कि रूपाणी सिर्फ नाम के लिए ही मुख्यमंत्री होंगे और पूरा काम अमित शाह करेंगे। दिन भर नितिन पटेल के नाम की चर्चा के बाद रूपाणी का नाम तय किए जाने पर हार्दिक ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पटेल समुदाय को गुमराह किया है और कहा कि यदि नितिन पटेल को पटेल समाज में अपनी थोड़ी भी इमेज बचानी है तो वह तुरंत उप मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दे। हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि पटेल समुदाय का गुजरात में एक बार फिर अपमान हुआ है। वही रूपाणी का नाम तय कर अमित शाह ने गुजरात में नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह लंबे अरसे बाद कल संसद में बोले। मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन बिल पर मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि केंद्र आंध्र प्रदेश के स्पेशल पैकेज जारी करे। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में तीखी बहस भी हुई। मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मोदी सरकार की ओर से 2 साल पहले किए गए वादे पूरे किए जाए। कांग्रेस सदस्य के वीपी रामचंद्र राव के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को उच्च सदन ने लोकसभा अध्यक्ष के पास उसके भविष्य पर फैसला करने के लिए भेज दिया। टीडीपी सदस्य कई दिनों से संसद और उसके बाहर इस मांग को उठा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट क्या जारी की। पार्टी में बवाल ही मच गया। पंजाब में पार्टी के वर्कर और पंजाब से जुड़े सीनियर नेता आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ने दिल्ली में बैठकर इस लिस्ट को फाइनल कर दिया और पार्टी के पंजाब के जमीनी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अनदेखा कर दिया गया। पार्टी के पंजाब संयोजक सच्चा सिंह, जो गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते समय नदारद थे, उन्होंने अपनी नाराजगी कल मीडिया के सामने खुलकर जाहिर की। उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि टिकट जारी करने के दौरान पार्टी की पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी ने मनमानी की है और वे उनके फैसले को मानने को मजबूर है। उधर टिकटों के ऐलान से पहले ही पार्टी के पंजाब के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हरदीप सिंह किंगरा ने पार्टी के दिल्ली से आए नेताओं पर मनमानी करने और बदसलूकी करने के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन तमाम दलों ने एक राय से विधायकों की सैलरी में 166% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। अब महाराष्ट्र में विधायकों को 1,70,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
महाराष्ट्र में लोक प्रतिनिधि और सरकारी बाबुओं की तनख्वाह में समानता लाने के लिए बीजेपी सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। इसके तहत अब विधिमंडल सदस्यों में पद के अनुसार वेतन का फर्क होगा। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को प्रतिमाह 2 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि राज्य मंत्रियों को 1,80,000 और साधारण विधायक को 1,70,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इससे पहले सभी को हर महीने न्यूनतम 75,000 रुपए मिलते थे। इस बीच पूर्व विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी करना भी महाराष्ट्र सरकार भूली नहीं है। इस पेंशन को 44,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। साथ ही हर टर्म के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों के बीच सऊदी के डायरेक्टर जनरल और भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह कल जब जेदा में फंसे वर्कर से मिलने सोजेक्स कैंप जेदा पहुंचे तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। वहां मौजूद लोगों ने वीके सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सुषमा स्वराज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं कुछ फंसे भारतीय वर्कर ने भारत लौटने से इनकार कर दिया। 8 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण जेदा में फंसे कामगार भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। जेदा में फंसे राजस्थान के कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी मदद की और वीके सिंह साहब यहां आए, इसलिए उनको हम शुक्रिया कहते हैं, लेकिन 8 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली और हम और हमारे घर वालों के ऊपर लाखों रुपए की उधारी है, इसलिए ऐसी हालत में घर लौटना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दूध में मिलावट करने वालों को उम्र कैद जैसी कड़ी सजा देने का कानून बनाने पर विचार करें, क्योंकि दूध का सेवन बच्चों समेत लोगों का एक बड़ा समूह करता है। कोर्ट ने स्वामी अच्युतानंद तीर्थ समेत अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध का गोरख धंधा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को कई अन्य निर्देश भी दिए हैं। पिछले 4 वर्षों से सरकार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में बदलाव करने के लिए कहने के बावजूद कोई नतीजा सामने न आने पर कोर्ट ने ये निर्देश दिए। स्पैनिश ट्रेन टेल्गो अपने दूसरे परीक्षण के दौरान शुक्रवार को दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दोपहर 2:46 मुंबई के लिए रवाना हुई। आधुनिक सुविधाओं वाली टेल्गो का 1 अगस्त को भी परीक्षण हुआ था। परीक्षण के दौरान रतलाम के आगे पटरियों के नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण ये ट्रेन 1:40 की देरी से मुंबई पहुंची थी। रेलवे दूसरे परीक्षण को सफल बनाने की कोशिश में जुटा है ताकि ट्रेन समय से मुंबई पहुंच सके। रेलवे बोर्ड ने दिल्ली से मुंबई के बीच पड़ने वाले स्टेशनों को जरूरी सुविधाओं की सूचना भेज दी है। इसमें ट्रेन के पहुंचने का टाइम टेबल भी मौजूद है, जिससे परीक्षण के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। पिछले परीक्षण में ट्रेन को कई जगह पटरी खाली होने का इंतजार करना पड़ा था, जिसे बचने की भी भरसक कोशिश की जा रही है। वर्तमान में कॉमेडी शो मजाक मजाक में निर्णायक की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सोहेब अख्तर ने बताया कि वे जब भी भारत आते हैं तो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर जरूर जाते हैं। ये बात खुद सोहेब ने कही। सोहेब ने कहा कि जब भी मैं भारत में होता हूं तो अक्सर सलमान खान के घर जाता हूं। मैं सलमान से नहीं बल्कि उनके माता पिता से मिलने जाता हूं। वे अद्भुत व्यक्ति है और मैं हमेशा से सलमान और उनके भाई का प्रशंसक हूं कि वे अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। सोहेब ने कहा, उनसे मिलने कोई भी जाता है, वे उनका खुशी से स्वागत करते हैं। वे काफी मददगार और महान लोग हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार। We'll be right back.